Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब देखते हैं बच्चों कैश बेसिस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यहां पर जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम जिसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज सिर्फ कैश व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड पेड, जब कैश रिसीव होती है या पे होता है तभी, अदरवाइज किसी भी तरह का रिसोर्स का इनफ्लो या आउटफ्लो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल कर दी तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो मेरे लिए प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन है, लेकिन तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक वो उधार पे, जैसे ही वो कैश पे होगी तभी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, द एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड, यहां पे मैं इसको थोड़ा मार्क भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन एन इनफ्लो और आउटफ्लो इज मेयरली ड्यू, सिर्फ ड्यू पर नहीं करूंगा। इसी तरह से एक्सपेंसेस भी तभी माने जाएंगे जब उसको पेमेंट की जाए, तो कैश बेसिस जो है उस केस में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस को, यानी कि जो मैंने पिछले साल पे कर दिया था, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या जो कोई मुझे इनकम पिछले साल ही मिल गई थी, या एक्रूड इनकम जो इनकम ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है, उसको नहीं रिकॉर्ड। आप कंफ्यूज नहीं होना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो जो ड्यू हो गई है बट मैंने पे नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंस वो जो लास्ट ईयर पे कर दिया था तो वो हम लास्ट ईयर में मानेंगे, अगर करंट ईयर कुछ प्रीपेड किया तो उसको प्रीपेड नहीं बोलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि वो करंट ईयर का ही है तो प्रीपेड बोलेंगे नहीं, इसलिए प्रीपेड आएगा ही नहीं। इसी तरह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को भी करंट ईयर की ही मान लेंगे, और अगर लास्ट ईयर कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई थी तो वो लास्ट ईयर की ही मानी जाएगी, और इसी तरह से करंट ईयर की अगर कोई इनकम एक्रू हो गई है मिली नहीं है तो उसको भी नहीं दी। तो सुनने में ही आपको लग रहा है कि सिंपल तो है कि कैश आया तो लिख दो, नहीं आया तो नहीं लिखो, बट टेक्निकल नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए ये वहां पर चलता है जहां पर बहुत कम ट्रांजेक्शंस होती हैं, या ऐसे कहें कि जहां पर उधार की ट्रांजेक्शन एक या दो ही हो तो वहां पर हम उससे दर्दी ही नहीं, एम आई राइट? ओके, तो कैश बेसिस बेसिकली छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो, डन, आगे बढ़ो।